न तो पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर अजमेर भाजपा देहात द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब को गणेश मानकर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिसके कारण अनेक लोगों को उसका फायदा मिला। वहीं भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में जनता त्राईमाम त्राईमाम कर रही है। पानी बिजली की समस्याओं के साथ साथ राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं। समस्याओं को लेकर 7 जून को भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया, सरिता गैना सहित भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल में नव भारत की जो आधारशिला रखी है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार जिसके 3.5 साल के कारण से आम जन त्राहिमान त्राहिमान कर रहा है, न तो पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और मैं समझता हूँ चारों ओर त्राहिमान त्राहिमान है। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया, उपखंड स्तर पर प्रदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार की नींद नहीं उखड़ रही। राजस्थान सरकार केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए बाड़ों में बैठी है और जनता त्राहिमान त्राहिमान है। इन सारे विषयों को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी 7 जून को एक विशाल जन आक्रोश रैली करने जा रही है। ये जन आक्रोश रैली में हजारों लोगों इस कलेक्टर के बाहर उमड़ेंगे, जो इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देकर कर इन आम जनता की समस्याओं के निदान की हम मांग करेंगे। केंद्र सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 8 साल पूरे हुए हैं, उस संदर्भ में अजमेर देहात जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय देव सिंह जी बोथरा साहब और हमारे विधायक पुष्कर से सुरेश सिंह जी रावत साहब, हमारे महामंत्री जीतमल जी और हमारे मीडिया के प्रभारी शक्ति सिंह जी और हमारे प्रदेश की मंत्री वंदना जी और महिला मोर्चे की महामंत्री सरिता जी, सभी हम आए हैं। हमारा यही कहना है, और आप तो आपको जानकारी है, जो 8 साल है मोदी जी के कार्यकाल के, वो बड़े बेमिसाल है। बेमिसाल किस रूप में? गरीब को गणेश मानकर उन्होंने सारी केंद्रित जो जन कल्याणकारी योजना करी है वो आपके सामने है। गरीब को, गरीब का उत्थान कैसे हो? जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उन्होंने 8 साल में जो अर्थक एक दिन का अवकाश लिए बगैर उन्होंने जो 8 साल एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है, बेमिसाल है। और चाहे कितनी भी योजना हो, चाहे शौचालय की स्वच्छता की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाते की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, जितने भी योजनाएं हैं, एक नहीं 182 योजनाएं हैं जो गरीब को केंद्रित करके उन्होंने योजनाएं बनाई। उसका परिणाम निकला जो 22% 2014 के पहले हिंदुस्तान में 22% जनता ऐसी थी जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे जीवन यापन करती थी। आज विश्व रिकॉर्ड बता रहा है, जो रिकॉर्ड विश्व जो आई है टीम और उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उसमें है कि अब 10% ही जनता ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, यानी 12% जनता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठी है। ये इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 2370 हो, 35 हो, 3 तलाक का मामला हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनने का मामला हो, जितने भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो कभी सोच ही नहीं सकते थे। और मैं ये कह सकता हूँ, आज कोरोना काल की बात, पूरी दुनिया मानव मात्र संकट में खड़ा हो गया था, ऐसी विषम परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो इस कोरोना काल से सख्ती से इतना जो निपटा गया है और तरीके से समय के ऊपर लॉकडाउन हुआ, और चाहे मास्क सैनिटाइज भी नहीं था हमारे देश में, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, 138 करोड़ की जनसंख्या थी, उस विषम परिस्थिति में भी सारे, चाहे वैक्सीन हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे कुछ भी हो, इंजेक्शन हो, सारे व्यवस्था करी हो, 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देने की बात हो, हर तरह से कोरोना काल में, और 20,00,000 करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया, उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, लघु उद्योग हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके लिए उन्होंने, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, सबके लिए
जो उन्होंने योजना बनाई है आज उसी का कारण है कि आज ये देश सुरक्षित है। और चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, उनके युद्ध की बात हो, चाहे 25,000 से ज़्यादा उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, लघु उद्योग हो, चाहे कर्मचारी हो, सब के लिए उन्होंने, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, सब के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है आज उसी का कारण है कि आज ये देश सुरक्षित है। और चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, उनके युद्ध की बात हो, चाहे 25,000 से ज़्यादा यूक्रेन में हमारे देश के छात्र और आमजन फंसे हुए, उनको सुरक्षित निकाल का मामला हो, आज रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तटस्थ रहकर, आज मैं कह रहा हूँ कि जितने भी खनिज तेल है उनकी आग लगी हुई है पूरे देश में, नहीं दुनिया के अंदर लगी हुई है। आज पड़ोसी देशों में हालात बड़ी खराब है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, परंतु आज हमारा देश हर तरह से सुरक्षित है और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल है। गरीब को गणेश मानकर जो कार्य किया उसके उपलक्ष में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे संगठन ने और सभी ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और मैं मानता हूँ कि जन जन के प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी है, दुनिया के सर्वमान्य नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके 8 साल पूरे होने पर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आपको यहाँ बुलाया। हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से, आप चौथा स्तंभ हो, आपके माध्यम से जो बिगर एक दिन का अवकाश लिए जो 8 साल तक मोदी जी ने कार्य किया है, आपके कलम भी उसमें चले और जनता तक ये बात पूछे। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।